लोगों ने चर्चा किया, तो ये तो साक्षात है कि सुनील नेता रोज लोगों को दिखाई देते हैं और उनके माध्यम से ही दिन रात होती है। इससे बड़ा, इससे सच्चा कोई पर्व नहीं हो सकता। कुछ हमारे मित्रों ने भी बताया, षष्ठी का तात्पर्य भी बताया, मतलब भी बताया। जो वास्तव में शक्ति जहाँ है वही सब कुछ है, जहाँ शक्ति नहीं वहाँ कुछ। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा, चूँकि वो राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का मतलब यही होता है कि राजनीति को करीब से देखने का काम करता है, तो यहाँ मैं जरूर कहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन मात्र दो कानून की ज़रूरत थी जो आज तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये झील दिल्ली की पहली झील है, प्रथम झील है और इकलौती ऐसी झील है दिल्ली की जो इतनी बड़ी झील है और इतनी तादाद में कई लाख लोग यहाँ छठ पर्व मनाने आते हैं, लेकिन इसका पानी गंदा है। आपके चैनल के माध्यम से आपने तमाम लोगों से सुन लिया। अब कोई एक हो, किसी के घर में एक व्यक्ति हो, किसी घर में एक चीज़ हो, एक सामान हो और वो सुरक्षित न रह पाए, तो उसके मुखिया के ऊपर उंगली तो उठती है और उठाना भी पड़ता है। तो दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, अब एक इकलौती देश की राजधानी में झील, और वो भी सुरक्षित नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, तो सरकार के ऊपर उंगली तो उठती है। कारण है इसका कि 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, लेकिन दो कानून की बड़ी ज़रूरत थी, सरकार और सरकारी लोग आज तक जवाबदेह नहीं हो पाए, जिसके कारण ये सारी बीमारियां फैली हुई, सारे करप्शन फैले हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। जिस दिन सरकार और सरकार के लोग जवाबदेह हो जाएंगे, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, जब राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये लोग बार बार जनता को बांट कर केवल राजनीति कर रहे हैं, देश चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का ये एजेंडा है कि जब तक देश में एक कानून नहीं होगा और सरकार और सरकारी लोग जवाबदेह नहीं होंगे, तब तक करप्शन से और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं ये देश हो पाएगा और प्रगति इसकी नहीं हो पाएगी। देखते रहे हरे का सहारा टीवी चैनल। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर प्रोग्राम का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छी अच्छी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें नया सवेरा न्यूज़ के लिए। देखते रहे हरे का सहारा टीवी चैनल के लिए वलसपा झील दिल्ली से हरीश तोमर की खास रिपोर्ट।